इस कहानी में हमने अब तक देखा कि वही दूसरी तरफ इंडिया में आज महेश मेहरा अपना काम कंप्लीट करके इराक से इंडिया वापस आ रहा था, वही आज विक्रम राजावत की बेटी का बर्थडे था, इसलिए राजावत विला को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। आज शाम को विक्रांत राजावत ने अपने बेटी के बर्थडे की बड़ी सी पार्टी होस्ट की थी, जिसमें शहर के बड़े और जाने आमने बिजनेसमैन आने वाले थे। व्हाइट मैंशन डाइनिंग एरिया। इस वक्त मित्तल परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना अपना नाश्ता कर रहे थे, तभी व्हाइट मैंशन के हॉल में से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे सब जो नाश्ता कर रहे थे वो नाश्ता छोड़कर हॉल में चले जाते हैं। उस लड़की को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर कोई था जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अब आगे मित्तल फैमिली के सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी हॉल में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब हॉल की तरफ बढ़ते हैं। वो सब जब हॉल आए पहुंचे कर देखते हैं तो उन सबको अपने सामने हॉल के बीचों बीच एक लड़की खड़ी हुई दिखती है, जो जोर जोर से चिल्लाकर सबको हॉल में बुला रही थी। उस लड़की को देखकर जहां सबके चेहरे पर उस वक्त स्माइल आ गई थी, तो वही कोई था जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे लव मित्तल थे, जो अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखकर कहते हैं, ये छिपकली यह पर क्या आई है? क्या उसका खुद का घर नहीं है, जो हमेशा हमारे ही घर में डेरा डालने आ जाती है? इतना कहकर वो अजीब अजीब सा मूव बनाने लगता है। वही उसके पास खड़ा आयुष उसकी बातें सुनकर उसके कान में धीरे से कहता है, लव भाई जरा धीरे से बोलिए, अगर उसने सुनी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने छोटे भाई आयुष की बात सुनकर लव अपना सर हिलाता है और उससे कहता है, थैंक्स यार आयुष, अगर अभी तुम ने मुझको नहीं याद दिलाया होता तो ये छिपकली मेरे सर पर तांडव करने लगती है। आयुष और लव दोनों का कुछ अलग ही चल रहा था। वही हॉल के बीचों बीच खड़ी लड़की जब सबको अपने सामने देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये लावण्या दीवान है, अनाया के बड़े पापा यानी कि लव के पापा के दोस्त की बेटी, जो अक्सर उनके घर में आया जाया करती थी। ये लव को फूटी आंख नहीं बाती थी, पर हमारी लावण्या तो बचपन से ही लव के प्यार में पागल थी। वो उसके पास जाने का हर एक बहाना ढूंढती रहती थी और हमारे लव बाबू उससे दूर रहने का लावण्या में बेहद ज्यादा बचपना बरा हुआ है, और वो अपने बचपने में हमेशा ऐसा कुछ करती थी कि लव उससे नाराज हो जाता था और फिर मैडम उनके पीछे उनको मारने में लग जाती थी। साथ में ये सबसे ज्यादा झगड़ा भी लव के साथ ही करती थी। आगे जानेंगे और इनके बारे में। लावण्या सबको देखकर सबसे पहले दादी और दादू के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, उसके बाद देवराज मित्तल और सियाजी की पैर छूती है, और बाद में हर्षवर्धन जी के सब प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसको हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कराते रहने का आशीर्वाद देते हैं। लावण्या की नजर जब अयाना पर जाती है, को कि अयान के पास खड़ी थी, तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अनाया के इस जाके उसकी हग करने ही वाली थी कि अयान अनाया को अपने पास खींचता है, जिससे लावण्या के हाथ जो उसने अनाया को हग करने के लिए बढ़ाए थे वो खाली हो रह जाते हैं, जिससे उसके चेहरा उतर जाता है, जिसे सबको थोड़ा बुरा लगता है। सबको यानी कि घर के बड़े लोगों को, पर कोई भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अयान ने ऐसा क्या किया इसका जवाब सबको पता था। वही उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर दो लोग बड़े खुश थे। वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि लव और आयुष थे। वो दोनों ही लावण्या का असली चेहरा अच्छे से जानते थे। वो जो ये सब उनकी फैमिली के आगे दिखा रही है, ये सब उसके नाटक थे, उसका असली चेहरा तो कुछ और ही था। इसलिए लव हमेशा उससे दूर भागता था। लावण्या को हरकते को सब बचपना समझ रहे थे। वो उसका बचपना नहीं था बल्कि लव के लिए पागलपन था। वो कोई उससे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस उसको हासिल करना चाहती थी, वो भी बस किसी को दर्द देने के लिए। वही अयान लावण्या की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम इस घर
मैं आ तो सकती हूँ पर तुम अनु से दूर ही रहेगी, उसके पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। तुमने अनु के साथ जो भी कुछ किया है मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, सो स्टे अवे फ्रॉम अनु, गॉट इट? लावण्या बिक कहने ही वाली थी, उससे पहले ही अयान अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ लेके जाता है। वही उनके ही पीछे लव और आयुष भी चले जाते हैं। लावण्या का चेहरा उतर गया था, जिसे देखकर सिया जी उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथ लेके कहती है, बेटा उदास मत होना, तुम तो जानती ही हो ना अयान प्रिंसेस के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और वो सब जो हुआ उसके बाद तो खैर जाने दो, चलो हम सब नाश्ता करते हैं। वही सभी लावण्या को उदास न होने को कहकर उसके साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। वही लावण्या जो बाहर से उदास होने का दिखावा कर रही थी, वो मन ही मन में गुस्से से जल रही थी। वो खुद से ही कहती है, इस बात का बदला तो तुमसे मैं अच्छे तरह से के लूंगी अयान सिंघानिया, तुम बस देखते जाओ और साथ में तुम्हारी उस प्यार अनाया मित्तल को भी अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। कितनी बार माफी मांगने पर भी इतनी अकड़ दिखा रही है, मुझे थोड़ी ही पहले से पता था कि ये मित्तल खानदान की प्रिंसेस और लव की प्यारी बहन है और अयान सिंघानिया का प्यार नहीं तो मैं वो सब करती ही नहीं, पर अब उस बारे में सोचकर भी क्या फायदा। लावण्या एक गहरी सांस लेकर खुद से ही कहती है, रिलैक्स लावण्या रिलैक्स, तुम इतना ज्यादा हाइपर क्या हो रही है? पहले मैं लव को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी करके एक बार इस घर में आ जाओ, फिर इन सबको देखती हूँ। इतना खुद से ही कहकर वो खुद को नॉर्मल करके अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लेके मित्तल फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। मैडम को बैठना तो था लव के पास, पर उसके पास वाली सीट खाली नहीं थी। एक साइड अनाया बैठी थी तो दूसरे साइड आयुष, जिससे मन मारकर उसकी सिया जी के पास वाली सीट पर बैठना पड़ा। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और वही लावण्या दिया जी और दादी से हॉल में बैठकर बातें करने लगी थी। वही दूसरी तरफ कुश के रूम में कुश अभी भी मायरा के ऊपर था और वो मायरा के कॉलर बोन पर किस कर रहा था। वो आगे बढ़ पता तभी उसका फोन बजने लगा। पहले तो उसने उसे इग्नोर कर लिया, पर जब वो दोबारा बजा तो उसे न चाहते हुए भी अपना फोन उठाना पड़ा। वो मायरा के ऊपर से उठकर उसके एप्स ही बेड पर लेटकर फोन रिसीव करके बातें करने लगता है। वही मायरा अपने सांस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करके मायरा खुद के कपड़े जो अस्त व्यस्त हो गए थे को ठीक कर देती है और बेड पर बैठकर कुश की तरफ देखती है, जो कि काफी परेशान नजर आ रहा था। कुश अपना फोन काटकर रूम में इधर से उधर घूम रहा था, परेशानी उसके माथे पर साफ नजर आ रही थी, जिसे देख मायरा बेड से उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्या नजर आ रहे हो? कुश अपने सामने मायरा को देखकर और उसके सवाल सुनकर उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर उसके माथे पर किस कर के उससे कहता है, कुछ भाई हुआ, मैं सब संभल लूंगा, बस कंपनी में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना और प्रिंसेस का भी, तुम उसके आस जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। इतना कहकर कुश मायरा का हाथ पकड़कर उसको लेकर बाहर जाने लगता है तो मायरा उसको रोक देती है। तो कुश उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? उसकी बात मायरा के गल लाल हो गए थे, वो हिचकिचाती हुई कहती है, वो कुश उससे कहता है, मायरा क्या वो कर रही है और ये तुम्हारे गाल इतने लाल क्या हो गए, तुमको भूखा हो गया क्या? इतना कहकर वो उसके माथे पर हाथ रख कर चेक करने लगता है और कहता है, बुखार तो नहीं है, फिर तुम्हारे गाल लाल क्या ही गए हैं? मायरा उसकी बात पर कुछ नहीं कहती है, उसे बेहद शर्म आ रही थी। वो कुश का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा करके मिरर में देखने को कहती है। तो कुछ एक बार मायरा को असमंजस से देखता गई और फिर अपने आप को आईने में, तब उसे सब समझ आता है। वो पास में रखे हुए टिश्यू पेपर उठाकर अपना फेस पर लगी मायरा की लिपस्टिक को अच्छे से साफ करता है, फिर अपने आप को अच्छे से एक बार मिरर में देखता है। उसके बाद मायरा की तरफ मुड़ता है, जो कि अपना सर नीचे किए हुए थी।
उसके तरफ जाकर वो उसके चेहरे को ऊपर करके कहता है, तो मेरे बीबी के गाल शर्म के कारण लाल हो गए हैं। उसके इतना कहते ही मायरा उसको हग करके अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। उसको ऐसा करता देख कुश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद कुश मायरा को अयाना के ऐसा छोड़कर खुद अपने ऑफिस चला जाता है। वही दूसरी तरफ अयाना जो इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस का काम कर रही थी, वो मायरा को एक नजर देखकर उससे कहती है, तो आपको भाई ने सब बता दिया मायरा दी? उसकी बात पर मायरा उसकी तरफ देखकर कहती है, अनु क्या सच? मैं हमारी शादी हो गई थी और मैं वो सब भूल गई, पर मैं मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकती हूँ? उसकी बात पर अनाया उसकी तरफ एक पेनड्राइव बढ़ाती है। इस पेनड्राइव को देखकर मारिया अनाया की तरफ असमंजस में देखती है, तो अनाया उससे कहती है, इसमें छाई और आपकी शादी की वीडियो है, आप देख सकती है जिससे आपको कुछ याद आ जाए, वैसे भी अब आप बिल्कुल ठीक हो। अनाया की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो जट से उस पेनड्राइव को लेकर सोफे पर बैठ जाती है और पेनड्राइव को लैपटॉप पर कनेक्ट कर देती है। वही मायरा वो वीडियो देखने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजा, जिसे उसने रिसीव कर दिया और उधर से ऐसा कुछ कहा गया कि उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया और उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। फोन के नीचे गिरने की आवाज से अनाया का ध्यान उस तरफ जाता है, तो वो देखती है कि मायरा की थ्री आंखों से पानी की तर्ज आंसू बह रहे हैं। वो उठकर मायरा के आस जाकर उससे कहती है, मायरा क्या हो गया, तुम तो क्यों रही हो? अनाया के आवाज से मायरा होश में आती है और मायरा से अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, अनु वो विवान और रूहे का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बेहद खराब है, हॉस्पिटल से कॉल आया था, वो दोनों अभी AM हॉस्पिटल में है। मायरा की बात सुनकर अनाया एक आप के लिए घबरा जाती है, पर अगले ही पल खुद को संभल कर वो मायरा को संभलती है और मायरा को अपने साथ लेके जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इस वक्त व्हाइट मेंशन में कोई नहीं था, इसलिए किसी को भी अनाया और मायरा हॉस्पिटल जा रही है उस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अनाया ने मायरा को सबल लिया था, वो जल्द ही AM हॉस्पिटल में कॉल करके विवान और तो रोहन का इलाज करने को कहती है। उसके कॉल करते ही AM हॉस्पिटल का डिन खुद पर्सनली उन दोनों को चेकअप कर रहा था। कुछ ही समय में अनाया की कारों का फासला AM हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। अनाया और मायरा जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं। अनाया के हॉस्पिटल में एंटर करते ही अनाया का एक बॉडीगार्ड जो पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद था, वो अनाया को देखकर उसके पास आकर उसको सारी जानकारी देने लगा और अनाया के साथ ही वो सब जहां विवान और रोहन का ऑपरेशन चल रहा है उस तरफ बढ़ जाते हैं। अयाना और मायरा इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। असाम्बे के दो ऑपरेशन रूम के अंदर विवान और रोहन का ऑपरेशन चल रहा था। वही दूसरी तरफ कुश व्हाइट मेंशन से बेहद ही गुस्से से बाहर निकल गया था। उसकी कार के आगे और पीछे बॉडी गार्ड की कर चल रही थी। कुछ ही समय बाद उसकी कार शहर से बाहर चली जाती है, जहां पर की का नमोनेशन भी नहीं था। वो जगह एकदम सुनसान थी। कुश अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी कार से बाहर निकलता है और अपने सामने के खंड में चला जाता है। उस खंड के अंदर जाकर वो उस खंड के अंदर बने हटे एक रूम में एंटर करता है। इस वक्त उसके पास से आ रहा ओरा बेहद ही खतरनाक था। कुछ वो कुछ नजर नहीं आ रहा था जो कि व्हाइट मेंशन में होता था या अपनी फैमिली के जैसे रहता था। उससे अब वो बिल्कुल अलग लग रहा था। इस वक्त उसकी आंखें आग उगल रही थी, साथ में उसके हाथ की मुठिया कसकर बंधी हुई थी, जिससे उसके हाथ की नसें आसानी से देखी जा सकती थी। कुश उस रूम में एंटर करता है। उसके उस रूम में एंटर करते हुए उसे अपने सामने एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ नजर आता है, जिसके शरीर पर हर जगह जख्मों के निशान दिखाई दे रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बेहद ही बहरामी से टॉर्चर किया है। कुश आगे बढ़कर उस इंसान का चेहरा अपने हाथों में कस के पकड़कर उसकी आंखों में अपनी आग उगलती आंखों से देखकर कहता है, क्यों क्यों
किया तुमने ये सब क्या मिला तुमको ये सब करके हाँ बोलो। कुश की मजबूत पकड़ से वो आदमी अपनी आंखें खोलकर अपने दर्द को सहते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है क्योंकि मुने तुमको तड़पते हुए देखना था जैसे मैं तड़प रहा हूँ अपने प्यार के लिए वैसे ही मैं तुमको भी तड़पाना चाहता था। उसकी बात सुनकर कुश उसके चेहरे से अपना हाथ हटाकर उसके चेहरे पर एक गुस्सा जड़ देता है जिस उस इंसान का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके होठों से खून बहने लगता है फिर भी उस इंसान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। कुश उस कमरे में अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इधर से उधर घूम रहा था। वो अपने बालों में अपना हाथ डाल कर उस इंसान की तरफ देखकर कहता है वंश तुमने जो भी मेरे साथ किया मुझे नहीं पता वो तुमने क्या किया और उसका कारण क्या है पर तुमने प्रिंसेस को मरने की किदुश क्यों की तुम्हारे आदमी और तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान यानी कि वंश सिसोदिया सिसोदिया अंपायर का वारिस कुश की तरफ देखकर कहता है वो तो तुम अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी या बहन के बारे में मुझसे पूछ रहे हो उसके लिए तुमने मुझे पकड़कर इतना टॉर्चर किया है लगता है तुम्हें अपनी बहन से बेहद प्यार है पर क्या फायदा तुम्हारी वो बहन अब बस कुछ ही दिन की मेहमान है इस दुनिया में वैसे तुमको पता है वो इस वक्त कहाँ है। इतना कहकर वंश सिसोदिया अपने चेहरे पर एक डेविल से करके कुश की तरफ देखता है जो कि वंश की बातें सुनकर खासकर कि उसके बहन अनाया कुछ दिन की ही मेहमान है ये सुनकर उसका गुस्सा जो थोड़ा शांत हुआ था वो अब अपना आप खोने लगा था। वो वंश के चेहरे पर और पेट और लगातार मारते हुए उससे कहता है क्या कहा तुमने तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इसे कहने की। उसकी बात सुनकर वंश अपना दर्द सहते हुए उसकी तरफ देखकर एक तंज भरी स्माइल के साथ उस कहता है जो भी कहा सच ही कहा तुम्हारी बहन जल्द ही भगवान के पास जाने वाली है बचा सकते हो तो बचा लो वैसे पर लगाओ अभी वो कहा है। कुश वंश का कार पकड़ कर या से कहता है क्या करने वाले हो तुम बताओ वैसे भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अनु अभी व्हाइट मेंशन में सेफ वैसे भी व्हाइट मेंशन से सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। उसकी उस बात पर वंश मुस्कराते हाइट उससे कहता गई कैसे भाई हो उसे खुद ही नहीं पता अभी इस वक्त उसकी बहन कहा है। उसकी बात पर कुश उसकी तरफ देख कर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वंश कुश की तरफ देख कर कहता है मेरे कहने का क्या मतलब है ये खुद तुम पता लगाओ। इतना कहकर वो कुश को एक मुस्कान पास कर देता है जिससे कुश का माथा ठनक जाता है। वो अपने पॉकेट से अपना फोन निकल कर अनाया को कॉल करता है पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी इसलिए वो अनाया के पीछे छुपकर प्रोटेक्ट कर रहे अपने आदमी को कॉल करता है और उससे अनाया के बारे में पूछता है। तो दूसरी तरफ से ऐसा कुछ कहा जाता है जिससे उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है और कुश एक पल के लिए अपनी जगह पर जम ही जाता है। कुश को ऐसे शोक में खड़ा देख वंश को सब समझ जाता है उसके आदमियों ने अपना काम कर लिया है। वो जोर से कुश की हालत पर हंसने लगता है वो इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वंश की हंसी की आवाज से कुश अपने होश में आता है और अपनी लाल हुई आंखों के साथ उसको एक नजर देखता है और उसके आपस जाकर उसका गले पकड़ता है और उससे कहता है वंश तुमने ये ठीक नहीं किया ही हर बार मैंने तुमको माफ किया पर इस बार नहीं इस बार तुमने मेरी बहन पर नजर डाली है तुमको इस बार मैं इसी सजा दूंगा कि तुमको पछतावा होगा कि तुमने अनाया मित्तल से पंगा क्यों किया क्योंकि उस बर्फमरी बहन खुद सामने से तुमको सजा देगी क्योंकि तुम उस बार उसके गुनेगार हो। इतना कहकर वो उसका गला छोड़कर वहां से चला जाता है। जाते वक्त पाने आदमियों की वंश की अच्छी से खातिर धारी करने को कहता है। वही वंश का गला जब कुश ने पकड़ा था तो एक पल के लिए वंश को लगा ही था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। कुश ने जैसे ही उसका गला छोड़ा वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। आज उसे साक्षात अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी। ऊपर से कुश की बातों से वो अंदर तक डर गया था पता नहीं पर उसको बेहद डर लग रहा था। वही कुश उस खंड से बाहर निकलकर जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को कार जल्दी से आम
हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने को कहता है। कुश अंदर से बेहद घबराया हुआ था। वो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर बैठा था। वो भगवान से बस अपनी बहन की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसको अभी अपने आदमी ने जो बताया था उससे उसको इतना तो पता चल चुका था कि अनाया का बेहद बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त एम हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका ऑपरेशन चल रहा है। खून बेहद बहने के कारण उसकी हालत बेहद ही क्रिटिकल है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। वही एम हॉस्पिटल सबसे ऊपरी फ्लोर पर, जो कि हमेशा मित्तल फैमिली के लिए बुक रहता था, उस फ्लोर पर इस वक्त ओटी में अयाना का ऑपरेशन चल रहा था। उसका अभी कुछ समय पहले ही बेहद ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिस से उसकी हालात उस वक्त बेहद नाजुक थी। वही ओटी की बाहर इस वक्त पूरा मित्तल परिवार, अयान और मायरा खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। सब बेसब्री से ओटी के डोर को देख रहे थे। वही मायरा वहां पर एक बेंच पर बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। कुछ समय पहले तो अनाया एकदम ठीक थी। वो उसी के साथ हॉस्पिटल में विवान और रोहन का, जहां ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन रूम के बाहर थी। भगवान की कृपा से उन दोनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। दोनों ही अब खतरे से बाहर थे। उनको दूसरे रूम मैं साइट किया गया था। दोनों भी एक कमरे में ही थे। अनाया के कहने पर दोनों को ही एक रूम में साइट किया गया था। वो दोनों ही अच्छी रिकवरी कर रहे थे। अनाया और मरिया उसी रूम में थे, पर अनाया को किसी कॉल आ गया और कॉल पर दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा कि अनाया उसे इन दोनों के ऐसा छोड़कर लगी चली गई। और करीब 1 घंटे बाद खून से लथपथ उसको हॉस्पिटल में लाया गया। उसके साथ उसके सेफ्टी के लिए गए उसके पर्सनल बॉडीगार्ड नितिन और रमेश की हालत भी बेहद क्रिटिकल थी। मायरा अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी ऑपरेशन रूम का डोर खुला और यह रूम से नजहर बड़ी में बाहर आई। सब उसके ऐसा उसको पूछने के लिए गए, पर नर्स ने पेशेंट की हालत बेहद क्रिटिकल है और अभी उन्हें सख्त ब्लड की जरूरत है। इतना कहकर वो ब्लड लाने चली हॉस्पिटल के ब्लड स्टोर रूम में। वही वहां पर मौजूद सभी का दिल बैठा जा रहा था। दादी की तबीयत अनाया के बारे में सुनकर ही इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें पास वाले रूम में ड्रिप लगा दी थी। वो इस वक्त बेहोश थी। उन्हीं के पास सियाजी बैठी थी। उनकी आंखें भी नम थी। लव खुद के इमोशन को कंट्रोल कर आयुष को संभल रहा था। वही अयान का दिल अंदर से अपनी जान को इस हालत में देख जी टूट रहा था, पर वो जानता था कि वो ऐसे टूट नहीं सकता। वो अनाया के डैड हर्षवर्धन जी को अयान संभाल रहा था, जो ऑपरेशन रूम के बाहर बेजान बैठे थे। वही देवराज यानी कि अनाया के बड़े पापा अपने पापा के पास बैठे थे। सब हो मन ही मन में अपनी प्रिंसेस के ठीक होने की कामना कर रहे थे। कुछ ही समय में वहां पर कुछ भागते हुए आता है। उसकी हालत बेहद ही खराब थी। उसको देखकर तेज लग रहा था कि वो बेहद बड़ी जंग लड़कर आ रहा था। और कुछ ऐसा ही था जब उसे उसकी बहन के बारे में पता चल, तब से वो परेशान था। कार हॉस्पिटल के बाहर रुकते ही वो बिना बॉडी गार्ड का डोर खोलने का वेट किए बगैर ही डोर खोलकर कार से उतरकर अनाया अभी जिस फ्लोर पर थी उस तरफ दौड़ता है। कुश को इस बात का भी होश नहीं था कि उस हॉस्पिटल में लिफ्ट मौजूद है। वो सीढ़ियों से ही दौड़ते हुए अनाया जिस फ्लोर पर थी वहां और आया था, इसलिए उसकी हालत बेहद खराब थी। साथ में आते वक्त वो कहीं जगह टकरा गया था, जिससे उसके हाथ से भी खून निकल रहा था। और उसको इस बात के कोई होश ही नहीं था। वो उस वक्त पूरे पसीने से नहाया हुआ था। कुछ सबके पास आकर अनाया के बारे में पूछता है, तो उसे सब अभी नज़ ने जो बताया था वो बताते हैं। जैसी से उसे अनाया की बेहद फिक्र हो रही थी, वही कुश को देखकर इतनी देर तक खुद को संभाले हुए लव और आयुष दोनों ही उसको गले लगा जीते हैं और बच्चों की तरह रोते हुए उससे लिपटे हुए थे। लव कुश को हग किए हुए कहता है, भाई हमारी प्रिंसेस ठीक हो जाएगी ना भाई। आयुष कहता है, कुश भाई एंजल ठीक होगी ना, उसका बेहद खून बह गया है। कुश जो खुद ही अंदर से टूटा हुआ था, वो अपने दोनों छोटे भाइयों को देखकर खुद को मजबूत करके उन दोनों के सर को सहलाते हुए कहता है, तुम दोनों ऐसे बच्चे की तरह रो क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस को। वो एक
फाइटर है, देखो वो जल्द ही हमारे सामने पहली की तरह हमारे सामने खड़ी होकर हम पर हुक्म बजाएगी। कुश की बात सुनकर लव और आयुष दोनों ही कुश की तरफ देखकर कहते हैं, भाई आप सच कह रहे हो ना? उसकी बात और कुश उसफ से कहता है, मैंने आज तक तुम सबसे कभी झूठ बोल है क्या? उसकी बात पर वो दोनों ही अपना सर ना मैं हिलाते हैं। कुश उन दोनों के आंसू साफ करते हुए कहता है, अब ये लड़कियों की तरह रोना बंद करो, प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। लव और आयुष अपना सर हां में हिलाते हैं और कुश के कहने पर वहां पर लगी चेयर पर बैठ जाते हैं और डॉक्टर के बाहर आने का वेट करने लगते हैं। वही अयान इस वक्त हर्षवर्धन जी के पास था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी इसलिए उनको उसी फ्लो पर एक रूम में एडमिट किया गया था। अयान उम्मी के पास था पर उसकी नजर उड़ती रूम पर भी बराबर थी। वो आप ये आदमियों को कॉल करके अनाया का एक्सीडेंट जैसे हुआ ये एक साजिश है या निर्मल एक्सीडेंट पता लगाने के लिए कहता है। अयान ने अपने आदमी से बात करके कॉल रखा ही था कि उसके पास एक आदमी आकर खड़ा होता है जो उस वक्त सर से लेकर इब तक काले कपड़े पहने हुए था। वो अयान के सामने आकर उसके तरफ एक लेटर बढ़ा देता है। अयान पहले तो उस आदमी की तरफ अपनी बज जैसी नजर से देखता है जिसका उस आदमी और रत्ती बार का भी फर्क नहीं पड़ा। अयान उस आदमी के हाथ में पकड़ा लेटर की तरफ देखता है को वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा रहा था। अयान एक नजर उस लेटर को और फिर उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, क्या है इसमें और तुम इसे मुझे क्या दे रहे हो? और तुम हो कौन? और तुमको इस रूम में किसने एंटर करने दिया? पूरे हॉस्पिटल को मेरे बॉडीगार्ड ने कवर किया हुआ है और खासकर उस फ्लो की सिक्योरिटी बेहद टाइट है, तो तुम ये तक कैसे आ गए? अयान के उतने सारे सवाल और उसकी तक ताकी लगाई हुई नजर से परेशान होकर वो आदमी उससे अपनी रूड वॉइस कहता है, तुमको ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, इस लेटर को पढ़ो फिर तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। वो ब्लैक ड्रेस में लिपटा हुआ शख्स खुद में ही बढ़ता है, अगर बॉस इससे प्यार नहीं करती तो उसको अच्छे से अब तक सबक सिखा चुका होता, कैसे मुझे घूर रहा है और कितने सवाल करता है, क्या फायदा इसका अंडरवर्ल्ड का डॉन होने का? अयान अपने सामने खड़े शख्स के हाथ से वो लेटर लेकर उसे ओपन करके पढ़ता है, फिर अपने सामने के शख्स की तरफ देखकर कहता है, इस लेटर में लिखे हुए नुशार तुम अनाया के लिए काम करते हो और उसी ने तुमको, अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके परिवार को एक सेफ जगह और के जाने को कहा था। इस और वो शख्स अपना सरहा में हिला देता है। वो अयान को ही एक तक देख रहा था, उसे अयान के बिहेवियर से उस बात का साफ पता चल रहा था कि अयान को अब तक उसके बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अयाना का खास आदमी है। वो अयान की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मिस्टर अयान सिंघानिया आपको देखकर लगता है आपको अभी भी मुझ पर बारिश नहीं हो रहा है ऐसा लगता है। उसकी बात सुनकर अयान उससे अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, तुमको क्या लगता है तुम ऐसा ही कोई लेटर मेरे एप्स लेकर आओगे और मैं यूजर यकीन करूंगा? उसकी बात पर वो शख्स उससे कहता है, वो तो ये बात है, वैसे बॉस ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा नहीं करने वाले हो, इसलिए उन्होंने पहले ही यह बात का इंतजाम कर रखा था। उतना कहकर वो अयान के तरफ अपने पॉकेट से एक बेहद ही खूबसूरत रेड कलर का बॉक्स बढ़ा देता है। उस बॉक्स को देखकर ही अयान की नख बड़ी हो जाती है। वो उस बॉक्स को उस शख्स के हाथ से लेकर उसको ओपन करता है। उस बॉक्स में वही था जो वो सोच रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में कुछ पल के लिए कुछ आकर चला गया। वो उस बॉक्स को क्लाइस कर देता है और उस शख्स की तरफ देखता है और उसे आगे बोलने को कहता है। वो शख्स अयान की तरफ एक नजर देखता है और उस बॉक्स को अयान के हाथ से अपने पास लेता है। उस बॉक्स को अपने पॉकेट में रखकर वो अयान से ऐसा कुछ कहता है जिससे अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अयान को उस शख्स ने उसे अभी को बॉक्स दिखाया था, उसे देखकर स्थान को इस बात का यकीन हो गया था कि ये आदमी अयाना के लिए काम करता है। वो शख्स वो बॉक्स अपने पिकेट में रखता है और अयान की तरफ देखकर अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन से कहता
है। शायद बॉस को पहले ही इस बात का पता चल चुका था, इसलिए ही उनने मुझे आने का संदेश भेजा था। उनका मैसेज मिलते ही मैं ये के लिए निकल गया था, पर लगता है मुझे आने में देर हो गई और दुश्मन ने अपनी चल चल दी। पर दुश्मन इससे और आगे बढ़े उससे पहले ही हमें मित्तल परिवार को ये से किसी सेफ जगह पर पिहाचना होगा। उसकी बात सुनकर अयान सिर्फ अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसे भी बात की गंभीरता का एहसास हो गया था। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर वो शख्स वहां से चला जाता है। उसे न आए समय किसी ने देखा था और न जाते वक्त। अयान उस शख्स से वहां से जाने के बाद अपने ही सोच नई गुम वहीं पर बैठ गया। तभी उसके कान में हर्षवर्धन जी की आवाज आती है, जिससे वो सोने सोच से बाहर आकर उनकी तरफ बढ़ता है। अयान हर्षवर्धन जी का हाथ अपने हाथ मैं पकड़कर उनसे कहता है, अंकल अपने ये क्या हालात कर दी है खुद की। अगर अयाना को इस बारे में पता चला तो वो कितनी दुखी होगी। आप जानते हैं ना, आपकी बेटी एक फाइटर है, उसे कुछ नहीं हो सकता। देखना वो बेहद जल्द आपके सामने होगी। उसने कभी हटना सीखा ही नहीं है और उसने मुझे वादा किया था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, सो उसे कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा ट्रेस मत लो। ओके। हर्षवर्धन जी अपनी सुनी आंखों से अयान को तरफ देख रहे थे, जो अपने दर्द को सबसे छुपाकर उनको संभल रहा था। वो अयान की तरफ देखकर कहते हैं, अयान प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा ना। उनकी बात पर अयान अपने इमोशन को कंट्रोल कर हर्षवर्धन जी से कहता है, नहीं अंकल, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। अयान हर्षवर्धन जी को समझा कर उनके पास अपने असिस्टेंट को छोड़कर वो जहां पर अनाया का ऑपरेशन हो रहा था वहां चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुरभि आज बेहद खुश थी। उसके अपने उस सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मित्तल फैमिली इस वक्त कहां पर है इस बारे में पता लग गया था, इसलिए वो आज बेहद ही खुश थी। वो खुद से ही कहती है, आज मैं बेहद खुश थी, आज मुझे मेरे दुश्मनों के ठिकाने का पता चल चुका है। मित्तल खानदान की प्रिंसेस अनाया मित्तल, अब मैं भी देखती हूँ तुमने अपने परिवार को मुझसे कैसे बचाती हूँ। तुम्हारे परिवार के वजह से आज मैं अनाथ हूँ, पर अब मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। अगर तुम बचा सकती हो तो बचा लो अपनी फैमिली को और खुद को। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसके आंखों में एक सनक थी जो किसी को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। वो बिल्कुल एक सनकी की तरह लग रही थी। सुरभि को पता चल गया था कि मित्तल फैमिली इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, पर उसने ये बात महेश मेहरा या अपने चाचा विक्रम राजावत को नहीं बताई थी। वो खुद मित्तल परिवार को अपने दम पर बर्बाद करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ राजावत पैलेस आज किसी दुल्हन की तरह सजा था। उसमें आज बेहद ही चहल पहल थी, और हो भी क्यों न। आज विक्रम राजावत की इकलौती बेटी का जन्मदिन जो था, जिसके लिए विक्रम ने आज एक पार्टी थ्रो की थी। पार्टी इस वक्त जोरों सोरी से चल रही थी। राजावत पैलेस में बड़े से बड़ा बिजनेस में आया था, साथ में कुछ पॉलिटिशियन भी थे जो राजावत के साथ मिले हुए थे। वही आज महेश मेहरा भी पार्टी में मौजूद था। वही आज उस पार्टी की जान आरुषि राजावत ने अपने बर्थडे का केक कट कर लिया था। वही आज वहां मौजूद हर एक जीन लड़के की नजर आरुषि और टिकी हुई थी। आखिर वो लगी इतनी खूबसूरत थी आरुषि इन उस वक्त डिजाइनर पार्टी वेयर ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जो कि डार्क रेड कलर का था। उस गाउन में पैरों के पास कट था, जिससे उसके गोरे पैर आसानी से दिख रहे थे, को उसे बेहद ही हॉट लुक दे रहा था। बालों का मेसी बन बनाया, तब कानों में डायमंड के इयररिंग्स पहने थे, और गले में भी एक बेहद ही प्यारा डायमंड का नेकलेस था। पैरों मैं उसके ड्रेस से मैच करती हुई रेड कलर की जी हाई हील पहनी थी, और चेहरे पर बेहद सारा मेकअप किया था, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस पार्टी में मौजूद हर एक की नजर उसकी ओर ही थी। केक कटिंग के बाद आरुषि अपने दोस्ती के साथ दूसरी तरफ जाती है, जहां पर बेहद ही अच्छा अरेंजमेंट किया था, जिसे उसके सारे दोस्त वहां पर एंजॉय कर सके। वही विक्रांत राजावत अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें करने लगा था। उसी के साथ जॉन और महेश मेहरा भी था। वही दूसरी तरफ आरुषि अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही थी। कुछ ही देर में वहां पर बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग
बजने लगा, जिस पर वह मौजूद कुल अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे, जिस आरुषि स्टेज से उतरकर साइड हो गई। आरुषि सबको डांस करते हुए बार काउंटर पर बैठकर देख रही थी। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। वो बड़े ही एलिगेंट तरीके से वहां पर बैठकर उस ग्लास से वाइन का सिप के रही थी। वही वह और भी कोई था जिसकी नजर जब से आरुषि पार्टी में आई थी उसी पर टिकी हुई थी। वो अपने आंखों आरुषि को पाने की चाह लिए उसे ही घूर रहा था। आरुषि को अपने ऊपर किसी की नजरों का एहसास होता है तो वे अपनी नजरें स्टेज से हटाकर इधर उधर देखने लगती है तो उसे कोई नहीं दिखता। दरअसल उसके देखने से पहले ही वो शख्स वहां से हट गया था। आरुषि को जब कोई नजर नहीं आता तो वो इसे वहम समझकर अपना सर झटक कर सामने स्टेज की तरफ देख रही थी, जहां सारे कपल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वो सब अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उसे उन सबको देखकर जलन हो रही थी। वो ज्यादा देर तक ये देख नहीं पाती। वो वहां से जाने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसके अंधेरे एरिया में ले जाता है। आरुषि किसी के खुद को ऐसे खींचने से घबरा जाती है। वो चिल्लाने ही वाली थी कि सामने वाला इंसान उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिस आरुषि की चीख उसके मुंह में ही दब जाती है। आरुषि खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश करती है, पर उस शख्स की पकड़ उसके ऊपर इतनी थी कि वो उससे खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। आरुषि को ऐसे खुद से दूर जाने की कोशिश करते देख वो इंसान हल्का सा मुस्कुराता है और उसके कान के पास अपनी गर्म सांस उसके कान में छोड़ते हुए कहता है, बेबी कोशिश करना बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो तुम अपनी ये फालतू की कोशिश करना बंद कर दो। इतना कहकर वो आरुषि के कान से अपने होठों को छू लेता है, जिस आरुषि सिहर जाती है। उसको अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी, पर अब उसने उस शख्स से दूर जाने की कोशिश बंद कर दी थी। वो उस इंसान के पकड़ में शांति से खड़ी थी। वही जब वो शख्स आरुषि को खुद से दूर जाने की कोशिश बंद करते देखकर वो हल्का सा मुस्कुराता है और आरुषि के कान में कहता है, गुड गर्ल। वो शख्स आरुषि की आंखों में देखकर कहता है, बेबी आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। जब से इन आंखों ने तुमको देखा है तब से अब इनको कोई और भा ही नहीं रही है, तो अब से तुम मेरी हो। इतना कहकर वो आरुषि के मुंह पर से अपना हाथ हटाकर उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसके होठों को किस करने लगता है। उसके ऐसे करते ही आरुषि उसको खुद से दूर करने लगती है कि वो शख्स आरुषि के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके पीठ के पीछे कर लेता है और अपने एक हाथ उसके गर्दन में डालकर उसका अपने तरफ करके उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगता है। आरुषि को खुद के साथ ऐसे जबरदस्ती होते देखकर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वो पूरे तरीके से अपने सामने खड़े शख्स के पकड़ में थी। वहां पर अंधेरा होने के कारण वो उस शख्स का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। आरुषि को खुद पर ही आज बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक मार्शल आर्ट की सबसे होनहार स्टूडेंट थी, पर आज वो खुद को ही किसी अजनबी से बचाने में असफल हो रही थी। उसके सामने उसको जकड़े हुए खड़ा वो शख्स ने उसके हरे प्रयास को विफल कर दिया था। करीब 39 मिनट तक आरुषि के होठी को चूमने के बाद वो शख्स अपने होठों को उसके होठों से अलग करता है। इतनी लंबी किस और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण आरुषि लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीना अप एंड डाउन हो रहा था। जिसे देखकर वो शख्स आरुषि के ड्रेस से दिख रही उसके क्लीवेज पर सोने होठों को रख देता है। उसके ऐसा करते ही आरुषि अपनी आंखें बंद कर देती है। उसको एक अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे वो उस वक्त समझ ही नहीं रही थी। वही दूसरी ओर अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी के आर विक्रांत मेहरा अपने पार्टनर यानी कि जॉन और महेश मेरा के साथ मिलकर आज बेहद बड़ी डील करने वाला था। अगर आज वो डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इससे उन तीनों को बेहद फायदा होने वाला था। आज की ये डील इन तीनों के लिए बेहद जरूरी थी। आज उनकी सारी मेहनत दांव पर लगी थी। इस डील से उनकी अंडरवर्ल्ड में अपनी पोजीशन और ज्यादा मजबूत होने वाली थी। और ये डील कोई सादी या ऐसे वैसे डील नहीं थी, करोड़ों की डील थी।
विक्रांत इस वक्त अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिससे विक्रांत अभी जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हंसते हुए बात कर रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी। विक्रांत अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट धीरज उसे पास आकर उसके कान में कुछ जेठा है, जिससे विक्रांत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वही गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। विक्रांत के बदलते हुए एक्सप्रेशन का मिस्टर महेश मेहरा और जॉन ने भी नोटिस कर लिया था। जॉन विक्रांत का गुस्सा अच्छे तरह से जानता था। उसे डर था कि विक्रांत का गुस्सा इस पार्टी में न किसी पर फट जाए, नहीं तो उनके लिए ही मुसीबत आ सकती है, इसलिए वो विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा करता है। जॉन के उसका हाथ पकड़ते ही विक्रांत अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखता है, तो जॉन इसे आंखों ही आंखों में अपना गुस्सा कंट्रोल करने को कहता है। विक्रांत अपनी आंखें कसकर बंद करता है और फिर खोलता है। उस वक्त उसके आंखों का कलर नॉर्मल हो गया था, जिस से जॉन और महेश मेहरा राहत की सांस लेते हैं। विक्रांत अपने बिजनेस पार्टनर से थोड़ी देर बात करता है और कुछ ही समय पार्टी खत्म होने का अनाउंसमेंट होती है। कस्से सब वहां से धीरे धीरे चाहे जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद राजावत पैलेस के सीक्रेट रूम में इस वक्त विक्रांत, जॉन और महेश मेहरा और विक्रांत का असिस्टेंट मौजूद था। जॉन, महेश मेहरा और विक्रांत का चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। महेश मेहरा गुस्से से अपनी चेयर से उठते हुए विक्रांत से कहता है, विक्रांत ये सब कैसे हुआ? तुम तो बेहद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, फिर अब क्या हुआ? तुमको कटा है ना, ये डील हमारे लिए कितनी जरूरी थी, तो कैसे पुलिस को इस बारे में खबर मिली? भाम ने कितनी सीक्रेट तरीके से ड्रग्स का यह इंडिया में लाया था? पूरे 5 करोड़ के ड्रग्स थे और वो आज की इस पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे। अब हम उनको की देंगे, इस हमें कितना नुकसान सहना पड़ेगा, इस जिसका अंदाजा भी है क्या तुमको? कोई तुम्हारे ही घर से ड्रग कैसे गायब करवा कर पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ सकता है? महेश मेहरा की बात पर विक्रांत उसकी तरफ देखकर कहता है, आवाज नीचे करके बात करो, अब तुमको मेरा बॉस बनने को एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये पर मित्तल फैमिली नहीं है, समझ में आई बात? और ड्रग्स की बात करे तो कोई हम में से ही एक गद्दार है, हमें जल्द से जल्द अपने आदमियों की सारी जन्म कुंडली निकलनी होगी, जिससे असली गुनाहगार सामने आ जाए। जॉन विक्रांत के गुस्से का शांत करते हुए महेश मेहरा और विक्रांत दोनों की तरफ देखकर कहता है, अब तुम लोग लड़ना बंद करो, आपस में ही झगड़ने का टाइम नहीं है, पहले हमारे बीच के गद्दार ढूंढना होगा। और हमारे 5 करोड़ बर्बाद हुए हैं ना, तो टेंशन मत लो, ये से नहीं तो दूसरी तरफ आ ही जाएंगे, और इन सब में हम तीनों ही अपना असली मकसद भूल गए हैं कि हम मित्तल परिवार को खोजना है, और खासकर हमें अनाया मित्तल चाहिए, जिससे हम उसकी मदद से उस दिव्य तेजस्वी हीरे तक पहुंच पाए। उसकी बात सुनकर विक्रांत और महेश मेहरा दोनों ही अपने आप को शांत करते हैं। महेश मेहरा जॉन से कहता है, जॉन हम अपने मकसद को कैसे भूल सकते हैं? हमारे हाथ एक बार वो तेजस्वी हीरा आ जाए तो हम पूरे दुनिया पर राज कर सकते हैं, फिर हमारे ऐसा पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। विक्रांत कहता है, बात तो तुम सही कह रहेंगे महेश, पर हम पिछले 3 साल से उन मित्तल एस को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं किस भील में छुप कर बैठे हैं। वैसे उस दिव्य तेजस्वी हीरे से याद आया, गुरुदेव का संदेशा आया था, इस बार वो दिव्य तेजस्वी हीरा अपने असली रूप में जल्द ही आने वाला है। विक्रांत की बात पर जॉन और महेश मेहरा दोनों के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। दोनों ही विक्रांत की तरफ देखकर कहते हैं, जल्द ही आने वाला मतलब? विक्रांत आगे कहता है, जल्द ही मतलब जल्द ही दिव्य तेजस्वी हीरा उसके रक्षक के 19 साल के होने के बाद अपने असली रूप में आ जाता है, पर इस बार कुछ ऐसे नक्षत्र बने हैं कि आने वाले दूसरी पूर्णिमा यानी कि अब से लगभग 45 डेज के बाद वो दिव्य हीरा पूर्ण रूप से अपने असली रूप में इस धरा पर विराजमान होगा, और करीब 5
दिन वो हीरा इस धरा पर रहेगा, उसके बाद उसका अभिषेक करके उसे उसकी रक्षक फिर से अगले 100 सालों के लिए एक रक्षा कवच से बंध कर अपनी शक्तियों से गायब कर देगी। जॉन और महेश मेहरा विक्रांत की बात बेहद ही ध्यान से सुन रहे थे। महेश मेहरा उसकी बात सुनकर कहता है, तो हमारे लिए ये 5 दिन काफी है उस हीरे को अपने कब्जे में लेने के लिए। उसकी बात पर जॉन हा में अपना सर हिलाता है। विक्रांत उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, हमारे पास 5 दिन नहीं है बल्कि बस 48 घंटे हो गए, क्योंकि उस हीरे को हम बिना अभिषेक किए नहीं ले सकते, क्योंकि वो हीरा जब धरा पर पूर्णिमा ही दिन प्रकट होगा तब उसकी शक्तियां बेहद ही कम होगी। उसका अभिषेक करने के बाद ही वो हीरा अपने सासे शक्तिशाली रूप में होगा, तभी हमको उसे उस अनाया के हाथ से लेना है। याद रहे, हम उसको चुरा नहीं सकते, नहीं तो उसका हम ही उलट प्रभाव पड़ेगा जिससे शायद हमारी जान भी जा सकती है। तुम सबको पता ही उस हीरे में एजा किसी मेत हुए के शरीर में जान ढालने की शक्ति है, तो किसी को मरने की भी। विक्रांत की बातें उन दोनों ने अच्छे तरह से अपने दिमाग फिट बार ली थी और अब तो वो तीनों को ये भी पता चल गया था कि अब उन तीनों को मित्तल परिवार को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि पूर्णिमा से पहले खुद मित्तल परिवार उनके सामने आएगा। इसलिए वो सब मित्तल परिवार को ढूंढने में अपना समय नष्ट न करते हुए उनके ही बीच में कौन गदर छुपा हुआ है उसे ढूंढने में लग जाते हैं। वही पार्टी तो कब की खत्म हो चुकी थी, आरुषि के सारे दोस्त वहां से जा चुके थे। आरुषि इस वक्त अपने कमरे मैं इधर से उधर टहल रही थी, उसके आंखों के सामने बार बार पार्टी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो ही आ रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, उसका इतनी अच्छी फाइटर होने का क्या फायदा, वो जब खुद को ही बचा नहीं सकती, कोई इसके मर्जी के बगैर उसको किस करके उसको छूकर कैसे जा सकता है, और उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, वो कौन है, कहां से आया है, और खासकर उसका चेहरा भी उसने देखा नहीं था। ये सब याद करके आरुषि को गुस्सा आ रहा था। वो खुद के गुस्से को सहमत करने के लिए बाथरूम में जाकर ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर का ठंडा पानी अपने सर पर पड़ते ही उसका दिमाग थोड़ा शांत हो गया और अब उसका गुस्सा भी चला गया था। आरुषि बाथरूम में आते वक्त अपने साथ पकड़े लेजर नहीं आई थी, इसलिए वो वहीं पर रखा बाथरूम पहनकर बाहर आती है। उसके एक हाथ में टॉवल था जिससे वो अपने गीले बालों को सुखा रही थी, वही उसने जो बाथरूम पहना था वो उसके घुटनों तक आता था जिससे उसके लंबे गोरे पैर आसानी से दिख रहे थे, और अभी अभी ठंडे पानी से शावर लेने से अब उसे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी। आरुषि बाथरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। इस बात से अनजान कि जब से वो बाथरूम से बाहर आती थी कोई उसे एक तक निहार रहा था। वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में अनाया का ऑपरेशन हो गया था, वो अभी खतरे से बाहर थी, पर उसे कब तक होश आएगा इस बारे में कहा नहीं जा सकता था। उस अगले 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, पर अभी मित्तल फैमिली पर बेहद बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनके दुश्मन को उनके ऑस्ट्रेलिया में होने के बारे में पता चल गया था, और एक बेहद बड़ा दुश्मन दोस्त के बेस में उनके साथ ही था जिस सब अनजान थे। अब ऑस्ट्रेलिया में मित्तल फैमिली का रहना खतरे से खाली नहीं थे, इसलिए अयान अनाया के लिए काम कर रहे उस अनजान शख्स की मदद से रातों रात मित्तल फैमिली और अनाया को ऑस्ट्रेलिया से एक प्राइवेट आइलैंड पर लेकर जाता है जो कि अनाया का ही था। उस आइलैंड पर उनके रहने की सारा इंतजाम किया था। इस वक्त सारी फैमिली मेंबर्स आइलैंड पर बने उस विशाल महल के हॉल में बैठे थे। उन सब के चेहरे पर अब उदासी या किसी को खोने का डर नहीं था। अनाया के हालत में भी सुधार आ रहे थे, वो किसी भी वक्त होश में आ सकती थी, इसलिए सब खुश थे। सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। दादी और हर्षवर्धन इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहे थे, दोनों ही दवाई के असर से गहरी नींद में थे। वही उस महल के मास्टर रूम में अनाया बेड पर मशीनों से गिरी लेती थी, उसको अभी तक होश नहीं आ रहा था। उसी के ऐसा वह उसका इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम थी जिनको अयान कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था।
वहीं नीचे लव और आयुष दोनों ही अपनी बहन अब खतरे से बाहर है ये सुनकर खुश थे। अब बस उनको उसके होश में आने का इंतजार था। वही कुछ उन सब के बीच बैठ कर भी वहां नहीं था, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था जो उसके चेहरे से पता लगना मुश्किल था। पर उसके आगे कुछ ही दूरी पर बैठी मायरा उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। वो समझ रही थी कि कुछ तो ऐसी बात है जिससे कुछ परेशान है, पर क्या ये अब उसको कुछ ही बता सकता था। वही कुछ अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर कुछ जल्द से अपनी जगह से उठकर साइड में जाके कॉल उठा लेता है। वही दूसरी तरफ से उसका बॉडीगार्ड उसको घबराई हुई आवाज में कहता है, बॉस वंश हमारे कैद से भाग गया। ये सुनते ही वंश अपने आदमी पर गुस्से से बरसने लगा था। वो अपना सर पकड़कर कुछ सोचते हुए उससे कहता है, तुम एक काम करो, वंश के अंदर जो ट्रैकर इंसर्ट किया था उसे ट्रेस करो, मुझे जल्द से जल्द किसी भी हालत में वंश शेखावत अपने सामने चाहिए, नहीं तो तुम लोग अपनी मौत के लिए तैयार रहना। इतना कहकर कुछ गुस्से से बिना अपने बॉडीगार्ड की बात सुने कॉल कट कर देता है और जैसे ही पूछे मुड़ता है तो अपने सामने किसी को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कुछ अपने बॉडीगार्ड की कुछ इंस्ट्रक्शन देकर पीछे मुड़ता है तो उसके सामने मायरा उसी को शक भरी नजरों से देखती हुई खड़ी थी, जिसे देखकर कुछ के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ वक्त के लिए चेंज हो जाते हैं, पर जल्द ही वो खुद को नॉर्मल करके मायरा को तरफ दो कदम बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या हुआ जान, तुम ये क्या कर रही हो। मायरा कुश की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं कुश, वो आप परेशान लग रहे थे इसलिए बस आपको देखने आई थी। क्या हुआ है, अगर आप अनु के लिए परेशान है तो डोंट वरी, शी इज फाइन नाउ और डॉक्टर ने भी कहा है कि वो जल्द ही होश में आ जाएगी। कुश मायरा की बातें सुनकर इतना तो समझ गया थी कि उसने उसकी बात नहीं सुनी को अभी उसने अपने बॉडीगार्ड से की थी। वो मायरा का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ हॉल में सबके पास लेकर जाता है और उसे वो ठीक है इस बात का विश्वास दिलाता है। वही कुश और मायरा हॉल में आकर अभी साथ बैठ गए थे। इस वक्त कुश की नजरें मायरा पर थी, पर उसके दिमाग कुछ और ही चल रहा था जिसका पता लगना मुश्किल था। डॉक्टर ने पहले ही सारी फैमिली को बता दिया था कि अनाया को सुबह तक होश आ जाएगा। अयान और कुश मिलकर सारे परिवार को खाना खिलाकर उनके रोक में आराम करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि अनाया के एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद किसी ने भी आराम नहीं किया था, उन सबको आराम की सख्त जरूरत थी। वही दूसरी तरफ अयान और वो काला साया यानी कि देवांश मोरे अनाया का खास बॉडीगार्ड, जिसकी मदद से अयान ने सारी मित्तल फैमिली को इस आलीशान प्राइवेट आइलैंड पर लाया था जिसकी सिक्योरिटी को कोई भी तोड़ नहीं सकता और बिना परमिशन के कोई भी इस आइलैंड पर एंटर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आसमान से हो या जमीन या फिर पानी से हो। अयान और देवांश मोरे इस वक्त डार्क मेंशन यानी कि उस आइलैंड पर बने महल जैसे मेंशन के स्टडी रूम में आमने सामने बैठे थे। दोनों के ही सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे जिसे देखकर दोनों ही अपनी जगह जम गए थे। उन दोनों को ही विश्वास नहीं जो रहा था कि उनके सामने डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो सच है या झूठ, क्योंकि उनके सामने जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे उनमें अनाया के एक्सीडेंट में जिस किसी का भी हाथ था उसी बारे में सारी डिटेल्स थी, और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जिस इंसान ने अनाया का एक्सीडेंट किया था उसको जान से मारने की कोशिश की थी वो और कोई नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने कभी खुद की जान पर खेलकर अनाया की जान बचाई थी। इसका तो मतलब यही हुआ कि रक्षक बना बशक, इसलिए उन दोनों को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, पर सच तो सच था। आखिर अयान के खास आदमी ने वो इन्फॉर्मेशन निकली थी, इसलिए अब उनको इस शख्स की सारी कुंडली जाननी थी। और खास बात तो ये थी, देवांश मोरे के आदमी ने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी थी उसने भी इसी शख्स का जिक्र था, इसलिए अयान और देवांश बेहद ही परेशान थे, क्योंकि वो लोग अनया और मित्तल फैमिली को इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सेफली यह तक ले तो आए थे, पर उन्हीं लोगों में उनका दुश्मन भी उन्हीं के बीच था। अयान अपने खास इन्फॉर्मर को कॉल
करके उस शख्स की सारी जन्म कुंडली निकलने को कहता है और सेम यही वो देवांश को भी उसके खास इन्फॉर्मर से उस शख्स की सारी जन्म कुंडली निकलने को कहता है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों ही वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अयान का कमरा अनया के कमरे के पास में ही था और खास बात तो ये थी दोनों के कमरे एमी एंटर करने के लिए एक खास सीक्रेट डोर था जिससे वो कभी भी एक दूसरे के कमरे में एंटर कर सकते हैं, पर इस बारे में अयान और अनाया के अलावा किसी को भी पता नहीं था। वही दूसरी तरफ सुरभि ऑस्ट्रेलिया आ गई थी, पर यह आने के बाद उसको पता चला कि मित्तल परिवार यह से पहले ही कहा शिफ्ट हो गया है, तो उसकी बेहद गुस्सा आ गया। वो अपना फोन निकल कर किसी को कॉल करके कहती है, सत्या अब बस हो गया ये लुपा छुपी का खेल, अब मैं और अपने बदले के लिए तड़प नहीं सकती, मुझे जल्द से जल्द इस मित्तल फैमिली से बदला लेना है, तुम उसको स्ट्रेस करो और मुझे बताओ वो उस वक्त कहाँ पर है, और उसको मैसेज भेज देना कि अब टाइम आ गया है अपना बदला लेने का। सुरभि की बात पर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे सुरभि के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई। फोन कटने के बाद सुरभि सीधा अपने होटल चली जाती है। अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेटते हुए वो सिलिंग को देखते हुए एक सनक बारी आवाज में कहती है, अनाया मित्तल अब लड़ाई आमने सामने की होगी, जल्द ही मैं अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे साम्राज्य में तुमको अपने सामने मिलूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ अलीशा फर्नांडिस को कुछ जल्दी ही थी अयान के साथ डील करने की, वो 5 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में आ गई थी। वो जब अयान को मिलने उसके ऑफिस गई तो उसे पता चला कि अयान अपनी किसी बिजनेस ट्रिप और बाहर गया है, तो उसको पूरा मूड ऑफ हो गया था। वो इस वक्त कंपनी को हैंडल कर रहे हैं। अयान के सेक्रेटरी आरव से अपनी रूड आवाज में कहती है, मिस्टर आरव क्या मैं जान सकती ही मिस्टर अयान कब तक वापस आएंगे। आरव को अलीशा पहली मीटिंग से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो अलीशा की नजरों को फर्स्ट टाइम ही बाफ गया था। वो अयान और डोर डालना चाहती थी पर राव को ये कतई मंजूर नहीं था, भला वो अपनी लेडी बॉस की जगह किसी को कैसे लेने दे सकता है, और उसे ये भी पता था कि उसका बॉस अपनी लेडी बॉस से कितना प्यार कर है, इसलिए इस निकचडी को अयान कोई भाव ही नहीं देने वाला था। पर फिर भी उसे इस अलीशा से चीर होती थी और अभी उसके साथ ऐसे रूड बिहेवियर आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो भी उसे उसी टोन में कहता है, बॉस को ने मैं 2 महीने लग जाएंगे या उससे भी ज्यादा कुछ के नहीं सकते। उसने इतना ही कहा था कि अलीशा उस पर बुरकते हुए है, ऐसे कैसे मिस्टर अयान 2 महीने किसी बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हैं। उसकी बात पर अयान अपनी आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, और भला मिस्टर सिगानिया क्यों नहीं जा सकते, जरा आप मुझे बता सकती है क्या। आलिशा खुद को संभलते हुए उससे कहती है, मेरा मतलब तो मिस्टर अयान सिंघानिया ने हमारी कंपनी के साथ पिछले हफ्ते एक डील साइन की थी और उस और 5 दिन बाद काम शुरू करना था और वो 2 महीने के लिए ये पर नहीं है, तो इससे हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। इस वक्त आरव के साथ 2 और एम्प्लॉय थे, उनको भी अलीशा का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। वही आरव अलीशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहता है, मिस अलीशा आपके साथ सिंघानिया इंडस्ट्री ने जो डील साइन की थी उसका काम 5 दिन बाद स्टार्ट होगा, जिस आपका कोई नुकसान नहीं होगा और ये डील में मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट का हेड के तौर पर, ना कि हमारे बॉस, उनके पास और भी जरूरी काम है, वो बस यही इकलौती कंपनी रन नहीं करते, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानती ही होगी। आरव की बात सुनकर अलीशा को गुस्सा तो बेहद आया, पर वो कोई गलती नहीं करना चाहती। अगर गलती से भी उसने आरव को कुछ कहा तो उनको इस डील से हाथ धोना पड़ेगा और ये हरकीज नहीं चाहती, क्योंकि ये डील उनकी कंपनी के लिए इस वक्त बेहद जरूरी थी। इसलिए वो अपना गुस्से का घुट पी कर एक जुटी स्माइल के साथ आरव से कहती है, वो ये बात थी, मुझे नहीं पता था, सॉरी, अभी मुझे जाना है, मिलते हैं 5 दिन बाद। इतना कहकर वो बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए वहां से मिला जाती है। उसके जाने के बाद आरव भी वहां से
अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है, पर इस वक्त उसके दिमाग में बेहद कुछ चल रहा था जो आने वाले वक्त में ही पता चलने वाला था। वही अलीशा सिंघानिया इंडस्ट्री से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाती है और जो गुस्सा अब तक उसने कंट्रोल कर लिया था वो अब फूट पड़ता है। इस वक्त उसकी कार उसके विला की तरफ चल रही थी। वही कार में सौंध चलने की वेजेस अलीशा का पागलपन के बारे में किसी को भी पता नहीं चला रहा था, पर कार चला रहे ड्राइवर आयार उसके आपस पैसेंजर सीट पर बैठी हुई अलीशा की असिस्टेंट की हालत खराब हो गई थी। दोनों ही अंदर से डरे हुए थे। अलीशा उस पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। उसने अपनी महंगी गाड़ी को अंदर से एक कपड़ा बना दिया था, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो अपना फोन निकलकर उसने अयान की फोटो देखकर पागलों की तरह उस फोटो पर अपनी उंगलियां फिरते हुए कहती है, जितना मुझ से दूर भागना है भाग लो, पर तुम जितना मुझसे दूर जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए मेरे पागलपन बढ़ता जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुमको अपना बना ही लूंगी। इतना कहकर वो अयान के फोटो पर किस करती है और अपने फोन को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दूसरी तरफ डार्क मेंशन में सभी इस वक्त थके होने के कारण अपने रूम में आराम कर रहे थे, पर कोई एक शख्स था जिसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे डर लग रहा था कहीं किसी के सामने उसकी सच्चाई आ न जाए। वो शख्स अपने रूम की बालकनी में आकर अपने आसपास देखता है। जब उसे इस बात की तसल्ली होती है कि कोई भी उसके पास नहीं है तो वो शख्स अपने बालों में लगाया हुआ हेयर पिन बाहर निकलता है, जो कि कोई आम हेयर पिन नहीं था। ये एक प्रकार का माइक्रोफोन था जिससे हम सामने वालों से बात कर सकते हैं, उसे फिर उसको कुछ मैसेज भेज सकते हैं। वो शख्स उस क्लिप के ऊपर लगे तीन डायमंड से एक बीच वाले डायमंड पर टैप करता है, जिससे उस वाइट डायमंड से रेड लाइट चमकने लगती है, जिसे देखकर वो शख्स उस हेयर क्लिप को पाने होठों के पास लेकर उसमें कुछ कहता है और उस हेयर क्लिप में मौजूद लेफ्ट साइड के हीरे को प्रेस कर देता है, जिससे उसने अभी जो कुछ भी कहा था वो मैसेज दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में डिलीवर हो जाएगा। ये करके वो शख्स खुद से ही कहता है, अब जल्द ही उन तक ये संदेश पहुंच जाएगा कि सुबह तक उनसे कुछ ना कुछ मदद मिल ही जाएगी, फिर मैं आगे के प्लान पर काम स्टार्ट करूंगी। इतना कहकर वो एक डेविल मुस्कान के साथ अपने कमरे में एंटर करके बेड पर लेट जाती है और कुछ ही समय में गहरी नींद में चली जाती है। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।